हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी कोच। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। एंड डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे रोज तुम्हें अपडेट्स मिलता रहे एंड रोज इस क्लास का नोटिफिकेशन तुम तक मिलता रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 2.1 एंड ऑलरेडी हम डू यू रिमेम्बर एंड चैप्टर 1 टोटली कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं। एंड उसका अगर वीडियोस देखना है तो ऊपर में आई बटन पे प्लेलिस्ट दे दिया हूं, प्लेलिस्ट पे क्लिक करके टिल नाउ जितना भी क्लासेस या जितने भी हम वीडियोस बनाए हैं अभी तक इसी चैप्टर के रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर फाइंड कर सकते हो। अगर बच्चों फिर भी कहीं पर कुछ डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट्स बता सकते हो, आई विल सॉल्व इट एज सून एज पॉसिबल। तो शुरू करते हैं आज का 2.1। क्या बोला गया है, कॉलम ए एंड कॉलम बी हमें यहां पर मैच करना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कॉलम वन में क्या बोला गया है, आईवी यहां पर कहां दिया है, कॉलम बी का यहां पर जो 4 है उसके साथ हमें मैच करना है। नेक्स्ट बी में क्या बोला है, एक्स आई एक्स, एक्स मतलब क्या 10, आई एक्स मतलब क्या 9, तो दैट इज हम लोग इसके साथ किसके साथ मैच करेंगे, दैट इज 19 के साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है, एक्स एक्स वी आई आई आई, दैट इज ये कितना होगा, एक्स मतलब कितना है बच्चों 10, नेक्स्ट एक्स का वैल्यू कितना है 10 10 10 20, एंड वी का मतलब क्या है 5, एंड एक एक बार का एक एक जो स्टिक्स दिया गया है उसका मतलब क्या है 1, तो 5 6 7 8 दैट इज 28, तो ये कितना आ गया 28। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या दिया गया है, एक्स एक्स आई वी, दैट इज एक्स मतलब कितना है 10, तो यहां पर 10 20, एंड आई भी मतलब कितना है 4, दैट इज 24 इज द आंसर। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो देखो डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग का यहां पर जो क्लासेस होता है स्टडी कोच चैनल पे, स्टैंडर्ड 4 का जो मैथ्स यहां पर चल रहा है वो सिर्फ तुम्हें मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे को तुम्हें देखने को मिलेगा। ओके, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि थर्सडे को क्लासेस नहीं हो रहा है सर, 5 क्लास का मैथ्स आ रहा है, हमें चैप्टर 2 का चाहिए, चैप्टर 3 का चाहिए, चैप्टर 4 का चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, तो ये है क्लास का शेड्यूल कि तुम्हारा जो फोर्थ क्लास का, अगर तुम्हें मैथ्स का क्लासेस चाहिए तो फोर्थ क्लास का मैथ्स का क्लासेस सिर्फ मंडे ट्यूजडे एंड वेंसडे को ही होगा, एंड रोज 3 PM को ये क्लासेस तुम्हें देखने को मिलेगा। रोज हम लोगों का मंडे ट्यूसडे वेंसडे को 3 बजे, दोपहर 3 बजे तुम्हें क्लासेस देखने को मिलेगा यूट्यूब स्टडी को चैनल पर। तो इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, जिससे 3 बजे जब भी वीडियो छोड़ा जाएगा तुम तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट्स, गॉट इट। तो जो भी क्लास 4 के रिलेटेड जितने भी बच्चे हो, कोई भी डाउट्स रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बाकी पूछ सकते हो। तो क्लासेस का डे भी बता दिया, मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे हम लोगों का स्टैंडर्ड 4 का मैथ्स का क्लास होगा, एंड वीडियो अपलोडिंग टाइम रहेगा 3 PM। ओके, दोपहर 3 बजे वीडियो अपलोड किया जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, नंबर 2। देखो नंबर 2 क्या बताया गया है, राइट द नंबर रोमन नंबर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमें क्या करना है ना, हमें रोमन नंबर्स लिखना है। जैसे कि यहां पर 2 का फर्स्ट ए का वैल्यू क्या दिया गया है 7, तो 7 रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखा जाता है ना, 5 6 7, ये हो गया 7। नेक्स्ट बी का लिखते हैं कितना दिया है, दैट इज 13। 13 कैसे लिखेंगे, एक्स मतलब 10 1 2 3, दैट इज आवर 13, हो गया। नेक्स्ट सी, देखो सी का क्या दिया है 45, तो 45 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 45, तो पहले सबसे पहली बात है कि हम 40 कैसे लिखेंगे, एक्स एल लिखेंगे हम कितना 40 को, ओके, क्योंकि 50 को क्या लिखा जाता है, खाली एल लिखा जाता है, 40 को क्या लिखा जाता है, एक्स एल, एंड जो 5 है दैट इज वी, दैट इज एक्स एल वी। नेक्स्ट डी नंबर डियर स्टूडेंट्स, 29, तो देखो 10 20 9 को कैसे लिखा जाता है, आई एक्स, तो एक्स एक्स आई एक्स हम लिख देंगे इसका आंसर, हो गया। नेक्स्ट ई, ई का क्या दिया है 39,
क्या दिया है, 30, 90 स्टूडेंट्स। तो देखो 30 कैसे लिखा जाता है, 10, 20, 30, एंड 9 कैसे लिखा जाता है, IX, तो XXXIX। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? कहीं पर अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट नंबर थ्री क्या बोला गया है, देखो कि यहां पर न्यूमरल्स दे दिया गया है XXXIII, तो ये कितना हो गया, एक एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों, 10 है, यहां पर कितना एक्स है, 3X है, तो 3X का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर एक एक्स का 10 है तो 3X का 30, एंड एक लाइन का क्या है 1, तो दैट इज 33, कितना है ये 33 है। नेक्स्ट क्या है, VI, ओके VI मतलब कितना है, V मतलब कितना है, 5 + 1 = 6। नेक्स्ट C का वैल्यू क्या है, XXXVI, दैट इज 30, X का वैल्यू कितना है 30, तो यहां पर 3X है, दैट इज 30, एंड V का मतलब क्या है 5, उसके बाद और एक लकीर है तो कितना है 6, तो 36 इज द आंसर। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट नंबर डी में क्या बताया गया है, XI, X मतलब कितना, 10, 10 प्लस 1 कितना 11, तो ये हो गया 11। ओके नेक्स्ट ई नंबर में क्या बोला गया है ना, XXI का कितना होता है, एक X का वैल्यू कितना है 10, 2X है तो कितना हो जाएगा 20, एंड एक 1 है, एक बार है, तो वो क्या है 1 को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज 21। डियर स्टूडेंट्स गॉट इट, आई होप यू अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स। अगर कहीं पर कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो शेयर कर दो इस वीडियो को, जिससे तुम्हारे दोस्त भी होमवर्क कर पाए। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स नंबर फोर का ए क्या बोला गया है, XI, ओके XI का मतलब कितना है, 10 प्लस 1 कितना है 11, हमें क्या बोला है यहां पर, प्रेडिसर लिखने बोला है, प्रेडिसर मतलब क्या है बच्चों, माइनस 1 करना पड़ता है, तो 11 से 1 गया तो कितना हुआ बच्चों, दैट इज 10, तो 10 को रोमन नंबर्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, X में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम लोग का ये है आंसर, X इज द आंसर। बट डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फोर का बी ओके तो देखो 4 का बी में क्या बोला गया है, XIX, ओके X मतलब कितना है हम लोगों का 10, IX मतलब कितना 9, तो ये हमारा है 19। प्रेडिसर मतलब क्या है, माइनस 1 करेंगे, दैट इज 18। 18 को कैसे लिखेंगे, XVIII, दिस इज द आंसर 18, तो इसको ऐसे रोमन न्यूमरल में हमें रिप्रेजेंट करना है बच्चों। नेक्स्ट 4 का सी क्या बोला गया है, XXII, दैट इज 10, 10, 20, एंड 2 by 22, माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 21, 21 को रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे, दैट इज 20 and 1, 21। ओके डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट 4D में क्या बताया गया है, XVI, X मतलब कितना 10, VI मतलब कितना 6, दैट इज 16, माइनस 1 करने से कितना आ गया 15, तो 15 को रोमन न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, XV बोल के लिखेंगे, दिस इज द आंसर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट 4E क्या बोला है, XXIV, दैट इज 24, माइनस 1 कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों 23, तो 23 कैसे लिखा जाता है, XX, 21, 2, 3, दैट इज 23। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स कंप्लीटेड, ओके नेक्स्ट 4 का E तक कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हम देखेंगे ना 5 का A क्या बोला है, 20, XX मतलब क्या है ये 20, यहां पर हमें क्या बोला है, सक्सेसर बोला है, ओके ऊपर जो हेडिंग दिया गया यहां पर क्या बोला है, सक्सेसर बोला गया है, तो सक्सेसर मतलब क्या बच्चों, दैट इज आवर प्लस 1, तो हम यहां पर क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे, तो 20 प्लस 1 कितना हो गया 21, रोमन न्यूमरल्स में से किसे कैसे लिखेंगे ना, XXI, दैट इज 21। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट 5B
फाइव बी क्या बोला गया है ना, एक्स एक्स आई वी, एक्स एक्स आई वी, तो ये कितना हो गया 24 माइनस कितना कर देंगे बच्चों, ना ये वाला करेंगे सॉरी प्लस कर देंगे 1, तो दैट इज 25। तो 25 को कैसे लिखा जाता है, एक्स एक्स वी, गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, दैट इज 25। नेक्स्ट 5 का सी कितना दिया गया है, एक्स एक्स आई, एक्स एक्स ओके 5 का सी, 5C कितना दिया है ना, एक्स एक्स आई दिया गया है, दैट इज 21। प्लस करेंगे 1 क्योंकि सक्सेसर बोला गया है, तो सक्सेसर में क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है 1, तो यहां पर कितना है 22x x 21 2 22, दिस इज द आंसर। आई होप यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5D, 5D में क्या दिया गया है, XL, XL मतलब कितना है 40, हमें सक्सेसर बोला है तो ऐड करेंगे 1, तो कितना हो गया 41, 41 को कैसे लिखा जाता है, XL I से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट 5E, 5E क्या है 10 20 एक्स 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 दैट इज 32 दिया गया है, कितना दिया गया है 32, तो हमें यहां पर क्या करना है, सक्सेसर बोला गया 32 प्लस 1 कितना हो गया 33, 20 31 2 3, तो ये हम लिख दिया 33, दिस इज द आंसर। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया, एनी डाउट्स। नेक्स्ट 6 का ए, ओके 6A, तो देखो 6 का ए में क्या बोला है, एक्स एक्स आई वी, एक्स एक्स आई वी मतलब कितना है बच्चों, दैट इज 24, एंड इस तरफ कितना दिया है 30, एक्स 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 दिया है मतलब कितना दिया 30, तो 24 क्या है, लेस देन है 30 से, सो 24 इज लेस देन 30, तो ए नंबर का क्या होगा 24 लेस देन 30 हो जाएगा। नेक्स्ट बी नंबर का देखो, एक्स एल आई, एक्स एल मतलब कितना है 40, एंड आई का मतलब कितना है ना 1, तो 41, एंड यहां पर कितना दिया है 10 एंड आई एक्स दैट इज 19, तो 41 क्या है ग्रेटर है 19 से, तो 41 ग्रेटर देन 19। नेक्स्ट 6 का ही सी नंबर देखेंगे, एक्सएल आई एक्स, एक्सएल मतलब कितना 40, आई एक्स मतलब कितना 9 49, एक्स एल आई एक्स, तो यहां पर फिर से यहां पर ये साइड भी क्या दिया है 49 दिया है, ये दोनों क्या हो गया इक्वल टू हो गया, तो यहां पर हम क्या पुट करेंगे, इक्वल टू सिंबल पुट करेंगे। गॉट इट डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट 6 का डी, एक्स एक्स आई एक्स दैट इज 29, एंड इस तरफ कितना एक्स आई एक्स मतलब, एक्स मतलब कितना 10, आई एक्स मतलब 9 19, तो 29 इज ग्रेटर देन 19, तो यहां पर होगा हम लोग का ग्रेटर देन। आई होप यू अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो आज के लिए इतना ही, तो हम 2.1 कंप्लीट कर चुके हैं, एंड फर्दर अगर कुछ डाउट्स रह जाता है बच्चों, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी कोच, एंड रोज तुम्हें हर हफ्ते का मंडे ट्यूसडे वेंसडे को क्लास 4 का मैथ्स क्लासेस देखने को मिलेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और एक नया वीडियो के साथ।